काव्य की बात सुनकर पलकी हो चुकी है शॉक। जी हाँ, वेल दोस्तों, आने वाला एपिसोड आपको बहुत ही अमेजिंग देखने को मिलेगा कुंडली भाग्य का, और साथ ही साथ आपको ट्विस्ट भरा भी देखने को मिलेगा अपकमिंग एपिसोड। और वहीं एक तरफ आपको अपकमिंग एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा कि फाइनली काव्य की बात सुनकर पलकी हो चुकी है शॉक। वेल, अब बात करते हैं आखिर ऐसा क्या बोल दिया है काव्य ने जिस वजह से पलकी हो चुकी है शॉक। वेल, हुआ कुछ ये, यानी कि आपको देखने को ये मिलेगा कि फाइनली जो काव्य होती है अपनी फ्रेंड पलकी से मिलने के लिए जाती है, जी हाँ, जेल में, पुलिस स्टेशन जाती है पलकी से मिलने के लिए। और वहीं एक तरफ आपको देखने को मिलेगा कि जो पलकी होती है काव्य को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जी हाँ। और काव्य जो होती है पलकी के पास जाती है, पलकी के पास जाने के बाद फाइनली उससे बातचीत नहीं करती है, जी हाँ, और वो थोड़ा निराश होती है। तो वहीं एक तरफ जो पलकी होती है काव्य को बोलती है कि अरे तुम इतनी निराश क्यों दिख रही हो, आखिर तुम्हें हुआ क्या, बताओ आखिर हुआ क्या तुम्हें जो तुम इतनी निराश दिख रही हो। तो वहीं एक तरफ आपको देखने को मिलेगा कि जो काव्य होती है फाइनली बोलने लग जाती है कि जो वरुण है ना वो मेरे को परेशान करके रखती है, जी हाँ। तो वहीं एक तरफ जो काव्य जो पलकी होती है काव्य को बोलती है कि अच्छा वरुण ने किया ऐसा क्या किया जो तुम परेशान हो चुके हो। तो वहीं एक तरफ जो काव्य होती है वो बोलती है कि वरुण ये चाहता है कि मैं तुमसे दोस्ती तोड़ लूँ, तुमसे बात ना करूँ, तुमसे दूर हो जाऊँ, जी हाँ, पर वरुण ये चाहता है और इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा निराश हूँ। और ये बात सुनने के बाद जो पलकी होती है काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाती है, जी हाँ। वेल, अब देखना ये होगा कि आखिर पलकी क्या एडवाइस देने वाली है काव्य को, और क्या वो सच में ये दोनों अलग हो जाएंगे, और क्या सच में इन दोनों की फ्रेंडशिप टूट जाएगी। वेल, सबको क्या लगता है क्या होने वाला है अपकमिंग एपिसोड के अंदर, तो ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। ऐसे कुंडली भाग्य के अपकमिंग एपिसोड के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जुटना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ। बाय।